सक्सेस से ज़्यादा तो आई थिंक इस चीज़ की टेंशन होगी क्योंकि लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस है आगे. तो ऑल ऑफ अस इन द टीम आर हैप्पी अबाउट द फैक्ट एंड रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट एंड वी जस्ट प्रॉमिस टू बी ऑनेस्ट एंड वर्क फॉरवर्ड विद द सेम ऑनेस्टी एंड सेम अमाउंट ऑफ फन. धमाल अब कहाँ तक तो नहीं, आई थिंक फुकरे 2 तक जाएगी. देखिए क्योंकि आप मैंने तो बहुत ही जल्दी अपने करियर में फेलियर देख लिया था क्योंकि खेले हम जी जान से नहीं चली थी, बट ये था लोग जानते थे कि हाँ अच्छी अच्छी एक्ट्रेस है. पर अब ये अच्छा लग रहा है कि लोग सीरियसली ले रहे हैं आपको. और अब अगर अभी मैं रांझना की स्क्रीनिंग के लिए गई थी और वहाँ सारे बड़े बड़े लोग, अनिल कपूर जी और काफ़ी सारे लोग मेरे पास आए, उन्होंने यू नो काम की तारीफ की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. पर यह है कि अभी भी अब इस सक्सेस से मैं ज़्यादा वो क्या कहते हैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो रही क्योंकि बहुत कुछ अभी और आगे भी करना है. गैंग तो अब फुकरा शुरू हुआ है, फुकरा बनती असली. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा पूरा देश क्या मतलब ग्लोबली हमें एक्सेप्ट किया गया है और पिक्चर हिट है. ये कहने में मुझे अभी पता चला, बहुत मज़ा आता है, पिक्चर हिट है. तो हाँ वो है. और या मतलब मैंने ऐसे एक्चुअली यार फुकरे का तो लीडर जो है वो हमारे डायरेक्टर हैं और वो शुरू से ही लीडर रहे हैं पूरी लाइफ में भी. एंड आई थिंक दैट इज़ वन एस्पेक्ट जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा खुशी है, मोर देन द नंबर्स. यू नो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जिन्होंने भी मूवी देखी है उन्होंने उससे रिलेट किया है. एंड सो मेनी पीपल टोल्ड अस दैट दे कुड रिलेट टू देयर स्कूल डेज. उनको उनके बचपन के दिन याद आ गए और उनके कॉलेज के दिन याद आ गए कि वो भी ऐसी फुकराबंदी करते थे. सो यू नो द थिंग जो हम रिलीज से पहले कहा करते थे कि आप लोगों को वो दिन याद आएंगे, वो सब अब ऑडियंस देखकर सेम चीज़ बोलती है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, रियली थैंकफुल. सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट there's somebody I don't know the name exactly, but you know how on the social networks and all you get live feedback. So ek social network par kuch logon ne likha tha thank you for entertaining us, aur thank you for saying that. Yeah, because hum log entertainment ke liye movies banate hain aur agar aapko humne entertain kiya hai aur aap aisa kehte hain to that's like the biggest compliment for us. And I would not forget one more compliment jo mujhe phir se social network pe padhne ko mila tha. They congratulated the entire team and said these were the best 2 hours of my life when they saw Fukre. So that's I think the biggest compliment. सबसे बड़ा compliment I think मुझे हम सबको in fact शाहरुख खान से मिला है. हम लोग की acting पे और you know he himself told us how it took him back उनके दिनों में. I'm very happy that he enjoyed because he also happens to be my producer. मेरा जो बॉलीवुड में एंट्री हुई थी एक तरीके से आमिर भाई और शाहरुख सर के साथ, तो वो ताल्लुक बना रहे और बहुत बड़े बड़े लोगों को पसंद आई है. बट आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो था वो रोड पे एक बहुत ओल्ड कपल था, वो आंटी ने ऐसे मुड़ के देखा कि आई लव्ड योर पिक्चर बाबा. It is very sweet. I think that was the best compliment we got. सबसे बड़ा compliment आजकल लोग मुझे बहुत fan mails आ रहे हैं कि please हमें accounts पढ़ा दीजिए, काश आपकी जैसी teacher होती हमारी. और कुछ लोगों ने कहा कि इतने you know सब लोग picture में इतना धमाल कर रहे थे और आपका ही बहुत ही serious किरदार था उसमें भी आपने अपने आप को notice करवा लिया, तो ये काफी अच्छा लग रहा है.